नमस्ते, मैं डॉक्टर तनु सिंगल बोल रही हूँ कोकिलाबेन हॉस्पिटल से। आज हम चिकन पॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो चिकन पॉक्स एक बहुत कॉमन चाइल्डहुड इलनेस है जो एक्चुअली वैक्सीनेशन से इजीली प्रिवेंटेबल है। तो चिकन पॉक्स एक बीमारी है जिसमें बच्चे को बुखार आता है और उसके बाद उसके शरीर पे पानी वाले दाने आ जाते हैं। और ये एक बीमारी है जो बहुत ज़्यादा कंटीजियस है, यानी अगर बच्चे को चिकन पॉक्स है तो उसको बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और इसमें अगर बच्चे को बुखार है तो उसको हम पैरासिटामोल देते हैं, पर आइबुप्रोफेन बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बच्चे को रोज़ नहाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, नॉर्मल ल्यूकवार्म वाटर से और सोप से। नीम के पत्ती का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, डेटॉल का पानी में इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि बच्चे को इचिंग हो रही है तो हम लैक्टोकैलामाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि बच्चे को अगर बच्चे को ये रैश आया है और रैश की अवस्था 24 घंटे से कम है तो हम बच्चे को डॉक्टर के पास लेके डॉक्टर उसको एंटीवायरल्स दे सकता है जिससे कि रैश की सिवियरिटी कम हो सकती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि यदि आपके बच्चे को चिकन पॉक्स है तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो एंटीवायरल्स शुरू कर सके, क्योंकि अगर रैश एक या दो दिन पुराना है तो फिर एंटीवायरल्स काम नहीं करते। आपको बच्चे को पानी और इलेक्ट्रॉल ज़्यादा मात्रा में देना चाहिए और बच्चे को तब तक घर में रखना चाहिए जब तक उसका रैश पूरी तरह सूख ना गया हो, और उसके बाद ही बच्चा स्कूल जा सकता है। इसके अलावा पेरेंट्स को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ बच्चों में चिकन पॉक्स के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि उसके रैश में इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चे को एनकेफलाइटिस हो सकता है, बच्चे को निमोनिया हो सकता है। और यदि इसके कुछ सिम्टम्स हैं तो फिर बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। धन्यवाद।